सुबह की पहली किरण के साथ नल्लण महादेव मंदिर में जलाभिषेक की तैयारी हो रही है। तो तैयारी दरअसल हरियाणा पुलिस की भी है। यहाँ पर बाकायदा वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफ ली जा रही है, हर एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है और इससे आगे यानी नू की सीमा में प्रवेश करने से पहले तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति है। यहाँ पर चाहे कोई वाहन हो, निजी वाहन, कमर्शियल वाहन, किसी को भी अंदर जाने की तब तक अनुमति नहीं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे आई कार्ड चेक किया जा रहा है और आई कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति है। दरअसल आज नू के अंदर तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि एटीएम और बैंक्स को भी बंद कर दिया गया है। और यही वजह है कि अगर नू की सीमा के अंदर कोई भी प्रवेश करता है तो यहाँ पर ना सिर्फ हम हरियाणा पुलिस को देख सकते हैं जिनके 1900 से ज़्यादा जवानों को लगाया गया, बल्कि आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें तो आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की भी लगातार जो कंपनी है वो मूव हो रही है। अर्धसैनिक बलों की, केंद्रीय बलों की बात करें तो 24 कंपनियां इस वक्त नू के अंदर मौजूद हैं और कंपनियां आ रही है। 2000 के आसपास हरियाणा पुलिस के जवानों को भी रखा गया है। बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है और नू के आसपास के तमाम जो बॉर्डर है, चाहे वो सोना, गुरुग्राम से लगते हो, अलवर से लगते हों या पलवल से लगते हों, तमाम को सील कर दिया गया है। विजिलेंस सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, नू, हरियाणा।